नमस्कार दोस्तों, आज 11 मई 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5 पैसा के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पे आप 5 पैसा में अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें और वहां से आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां से आपको ये सब जानकारियां मिलेंगी। ऑल्सो हमारा एक मेंटरिंग ग्रुप है जहां पे हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वगैरह हर चीज़ का ज्ञान देते हैं लाइव मार्केट में। 2 घंटे, 3 डेज अ वीक होता है, 1 महीने का प्रोग्राम है। उसकी जानकारी चाहिए तो आप 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि मार्केट्स टर्न होंगे यूएस इन्फ्लेशन डेटा पे। वो यूएस इन्फ्लेशन डेटा आ भी गया और वर्स देन एक्सपेक्टेड आया। 8.1 का एस्टिमेट था, 8.3 आया है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये देखें तो जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है, जहाँ पे कल का लो लोएस्ट था और उसके दोनों तरफ हायर लोज हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी तरह की एक पुल बैक रैली यहाँ से शुरू हो सकती है। और वो इसलिए हो सकती है कि अब बाजार एक स्टेज पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे वो वैल्यू स्टॉक्स जिनके पास अर्निंग्स हैं, जिनकी पास प्रॉपर बिजनेसेस हैं, उनको जो है बाजार वैल्यू दे रही है। और जो नैसडैक लिस्टेड स्टॉक्स थे जिनमें सिर्फ जो थे रेवेन्यू थे, अर्निंग्स नहीं थी, उनको बाजार एक तरह से नकार रहा है। तो यहाँ से नैसडैक अंडर परफॉर्म कर सकता है और डाओ और S&P 500 वहाँ पे आने वाले दिनों में आप अपसाइड देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक बारी जैसे जैसे आज का दिन निकलेगा तो मेरे हिसाब से यूएस मार्केट्स अपने हाई पे बंद होनी चाहिए। अगर हम मोटे तौर पे अपने पैरामीटर्स देखें तो बिटकॉइन जो कि एक समय पे 6% डाउन था, वहाँ पे अच्छी रिकवरी आई है। अगर हम बॉन्ड यील्ड्स देखें तो वहाँ भी इन्फ्लेशन नंबर के बावजूद बहुत ज़्यादा बॉन्ड यील्ड्स में रैली नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं कि 2.97 पे है। डॉलर इंडेक्स देखें, वहाँ भी थोड़ा सा कूल ऑफ आया है। तो इस इन्फ्लेशन नंबर के बाद ओवरऑल पैरामीटर्स में कूल ऑफ आया है कुछ हद तक। ये वापस रीगेन करेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ जो है रिस्क ऑफ वापस बनते हुए नजर आ रहा है। अगर हम ब्रेंट क्रूड देखें तो वहां पे कुछ अपसाइड आई है और 107.38 पर है। अब आज का अगर हम इंडियन मार्केट्स देखें तो 16,000, जहां मैंने कहा था कि बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग है, वहां से बाजार मुड़े और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर आके बंद हुए। बैंक निफ्टी पे थोड़ी सी ज्यादा पॉजिटिविटी है और यहाँ भी अपर साइड पे आके बंद हुआ है। तो अगर हम आज के ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में अभी भी 16,000 पे आपके पास 53 लाख शेयर्स हैं। 100 पे 32.76 लाख शेयर्स हैं। एक्सक्यूज मी, 16,200 पे 37.2 लाख शेयर्स हैं। उसके ऊपर 4.5
प्रॉब्लम शुरू होती है 16300, 400 और 500 जहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपर लेवल्स पे बहुत ज़बरदस्त आपको जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और अनलेस सारी ग्लोबल मार्केट्स में वापस एक तरह की रैली आए और 16300 क्रॉस हो, ऊपर बहुत ज़्यादा जाना इतना इजी नहीं होगा। अक्सर ये देखने में आता है कि किसी इवेंट पे मार्केट पिवट करता है और वहाँ से ऊपर जाता है। अगर हम चेंज इन ओआई देखें तो ओआई आज 16200 पे ऐड हुआ है, 300, 400 बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं पुट अनवाइंडिंग हुई है। तो ठीक है, अपसाइड थोड़ी बहुत यूएस मार्केट के बलबूते आ सकती है, बट बहुत ज़्यादा यहाँ से अपसाइड होगी ऐसा फिलहाल इस डेटा को देखकर नहीं लगता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 34,000 पे बहुत बढ़िया पुट राइटिंग है, 34,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, लेकिन 35,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग भी है कुछ 21 लाख की। तो ये 21 लाख की कॉल राइटिंग के पार निकलना अगेन बहुत ज़्यादा इजी शायद नहीं होगा। तो अपसाइड है लेकिन लिमिटेड अपसाइड है, इस तरह का रुझान कल का रखना चाहिए। और ओवरऑल अभी भी डाउनसाइड्स खुली रहती हैं, तो मे बी 16,350-400 से वापस रिवर्सल होने का चांस ये बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपका कल का दिन अच्छा जाए। प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई और मुझे उम्मीद है कि कल आपको अच्छे मौके मिलेंगे वापस शॉर्ट साइड पे पोजीशन बनाने के लिए, एक बारी अर्ली मॉर्निंग रैली जो है वो समाप्त हो जाती है। टेक केयर एंड गुड नाइट।